माय गॉड, सच में यहाँ का अलग एक्सपीरियंस रहा। गाछी के सोर जे खनल गए सब मंजिल उखड़ल है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग गाइज। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को मोहतरी जिला का एक नमूना विलेज एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। उसका नाम है अगलेसरा। वो विलेज का खास बात यह है कि वहाँ पे एक शिव मंदिर भी है और बहुत पुराना है ना, शायद वो बहुत पुराना शिव मंदिर है और उसी शिव मंदिर शिव बाबा का नाम से ये गांव का भी नाम पड़ा हुआ है। और वहाँ पे सावन महीना में प्रत्येक सोमवार का दिन मेला लगता है भाई। गाँव एक्सप्लोर करेंगे, उसके साथ साथ में मेला भी घूमेंगे भाई। ये गांव का बात करें तो ये मध्य प्रदेश मोहतरी जिला में पड़ता है। आप लोगों को बर्दी पास से 25 किलोमीटर लगभग जलेश्वर वाला रास्ता आएगा, तो 25 किलोमीटर अंदर आने के बाद में इस गांव में आ सकते हो। मेला जहां पे लगता है अगलेसरा बाबा का टेंपल है, वहीं पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, देख सकते हो मधेश का मेला। अगलेसरा महादेव इधर इस साइड में बाबा, ये शिव मंदिर है ना? हाँ, तो ये आप रूपी है कि ये तो स्थापना कर के लिए केना है? की भेल है? हाँ, धरती चर में रहले। अच्छा, ये मंदिर के रूपी रहले या 6 हाथ 8 हाथ मोट गाछी कर्मा के। कर्मा के? हाँ। ओके, तो गाछी यहाँ के लोग में चल जी ना। तो गाछी के सोर जो खनल गए सब मंदिर उखड़ल है। वो जमाना में बाबू बने ले। अच्छा, वो है सनातनी धर्म वो वाला। तो हम लोग अभी मंदिर का परिसर के अंदर आ चुके हैं, है ना, देख सकते हो। आओ, तो आज सावन का सोमवार ही है, इस वजह से भक्तजनों लोगों को भीड़ भाड़, काफ़ी भीड़ भाड़ है, सुबह से भीड़ भाड़ रहती है। देखो बड़ पीपल का गाछी उधर, ये बाद में बनाया बोल रहा था, है ना, बाद में बनाया। ये शिव मंदिर, पुराना शिव मंदिर ये वाला इधर। और देखिए मिथिला का जितने भी गांव मैंने देखा, वो गांव में ऐसा पोखर हर गांव में है ना, हर गांव में ऐसा पोखर देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो ये गांव का खूबसूरती भी बढ़ाता है भाई, ये पोखर से देख सकते हो। जाओ ना दर्शन करें, यही है मंदिर। तो हम लोग अभी पहले हाथ गोर धो लेते हैं, उसके बाद भोले बाबा का दर्शन करेंगे। चलो अंदर जाके हम लोग दर्शन करते हैं। जय शंभू, घंटी बजाओ शंभू, हर हर महादेव शंभू। बहुत नीचा है यार, है ना, बहुत पुराना और बहुत नीचे है महादेव, देख सकते हो शेष नाग, उसके बाद नीचे हमारा शिवलिंग। गाइस ये शिवलिंग तो बड़ी अद्भुत है यार, देखो ये आधा फट गया। भाई हमने बाबा का दर्शन कर लिया,
एक शिवलिंग का आधा पूरा टूटा हुआ है भाई, जैसे मतलब ब्रिज का नीचे था है ना, कटिंग किया तो उस टाइम आधा फट गया एक शिवलिंग, और दूसरा शिवलिंग उधर है, यहाँ पे दो शिवलिंग है यहाँ पे। और मैंने देखा मतलब पुराने शिला है यहाँ पे, पुराने शिला। ये गांव का नाम मैंने बहुत सुना था पहले, लेकिन आया नहीं था। आज भगवान का दर्शन भी कर लिया और ये गांव भी विजिट कर लिया, तो स्पेशली मेला का टाइम पे मैं आया ये गांव घूमने के लिए। और वो मेला सावन महीना में लगता है हर सोमवार, देख सकते हो ये साइड में बच्चे लोग खेल कूद कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो इधर भी है। ज़्यादातर बच्चे लोगों का खेलने के लिए ही बनाया है यहाँ पे। यहाँ पे मेला बहुत ज़्यादा लगता है, धूमधाम से मेला लगता है इस जगह पे। मलेमास पड़ने का कारण से उतना भीड़ भाड़ नहीं है, फिर भी एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग है ना, देख सकते हो। बड़े लोग इसमें झूल सकता है, मैं जाकर पूछता हूँ कितना प्राइज है इसका, कितना है? 50 रुपए एक हो? हाँ चल बा, एक आदमी का 50 टिकट। चलो दो टिकट ले लिया भाई, फिर में चलता हूँ। पहली बार हिलने के लिए जा रहा हूँ मैं, इससे पहले नहीं गया था। डरो लगे से हो, चलो। ओ माय गॉड, ये सेफ्टी कुछ भी नहीं है यार, देखो सेफ्टी कुछ भी नहीं है इधर है ना, ऐसा बस पकड़ो। दिन देख लो, ओ माय गॉड, सच में यहाँ का अलग एक्सपीरियंस रहा भाई। अभी तक सच भाई बहुत मुश्किल, मुझे लग रहा था कि मैं तो भाई पहली बार। ओ माय गॉड, हाथ गोड़ समझाना है अभी अभी तक सच। ओ चलो भाई, मेला घूम लिया और भूख भी लग गया अभी हम लोगों को, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता खाने के लिए। छोटा सा ढब्बा जैसा है यहाँ पे बनाया हुआ, मेला उतना बड़ा नहीं है, बस यही है कुछ बच्चे लोगों का खिलौना खेलने के लिए है। और चलो आज चलो नाश्ता खाई, दो जगह छोले भटूरे लगा दो, यानी आ जाए। और आज बारिश होता नहीं था, आज सुबह इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि मत पूछो, भगवान ने हमारा सुन ली भाई। कल मैं शिकायत कर रहा था भगवान से कि भाई बारिश ही नहीं होता है, बरसो इंद्रदेव बरसो, और आज सुबह सुबह बारिश बहुत तेज होगा। तो भाई हमने छोले भटूरे ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, एक आदमी का आ चुका है छोले भटूरे, मेरा आना बाकी है, खा के टेस्ट करते हैं। ये भी बहुत दिन के बाद में मैं खा रहा हूँ, जनकपुर में एक बार खाया था, टेस्ट करो खाओ गरम गरम छोले भटूरे, भटूरे छोले अचार प्याज खाओ ना, खा के टेस्ट बताओ, ठीक है। ओके भाई, हम लोग नाश्ता खा के निकल चुके हैं, मेला भी देखा नाश्ता भी खाया, और बस यही है गांव। गांव का बारे में बहुत सुना था मैंने, अगले गांव का बारे में बहुत सुना था, आज देखा घूम भी लिया,
यहाँ का विलेज लाइफ स्टाइल भी देख लिया। ओके चलो अब जाते हैं हम लोग। अब अगलेसरा अगर आप घूमने आएंगे तो यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो अगलेश्वर नाथ महादेव का है। ठीक है, मंदिर का साइड में पोखर है, उससे और ज़्यादा मतलब बहुत ही खूबसूरत बना देता। राधे 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 राधे। भाई मधेश का विलेज लाइफ तो सेम टू सेम सभी जगह देखने के लिए मिल जाएगा। ओके तो हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, अगलेसरा गांव एक्सप्लोर किया, अच्छा लगा, एक अलग एक्सपीरियंस मिला। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और मेरा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और क्या है कमी कमजोरी कमेंट करके बताइएगा। ओके तो हम लोग मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।